नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके पी लाइव न्यूज। आज भूशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वे करते हुए 64 दिन हो गए हैं। एएसआई की टीम 64वें दिन 12 बजे सर्वे समाप्त करके निकली। आज शुक्रवार है। भूशाला में मुस्लिम समाज के द्वारा आज नमाज अदा की जाती है। आज मुस्लिम समाज के लोग सांकेतिक रूप से विरोध स्वरूप हाथों में काली पट्टी बांधकर भूशाला में नमाज के लिए पहुंचे। वही मुस्लिम समाज के द्वारा एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति के नाम, जिलाधीश के नाम सौंपा गया, जिसमें एएसआई के द्वारा भूशाला परिसर, जिसे कि मुस्लिम मस्जिद कहते हैं, हिंदू भूशाला कहते हैं, में एएसआई के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। फिजिकल एक्सक्यूवेशन के विरोध में आज मौन सांकेतिक काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई एवं राष्ट्रपति के नाम, कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करवाने की बात की गई। मुस्लिम समाज के शहर काजी वकार सादिक एवं कमाल मोला इंतजामिया कमेटी के सदर जुल्फिकार पठान के द्वारा मीडिया को बताया गया कि यहाँ पर मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का फिजिकल एक्सिबिशन न हो, इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। हमने उसके विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध, मौन विरोध किया है। हमारी मांग है कि एएसआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करे। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है, फिजिकल एक्सक्यूशन बंद नहीं किया जाता है, तो मुस्लिम समाज बड़ा आंदोलन करेगा। देखें खबर एसके पी लाइव न्यूज पर। हो गया। आज जुमे की नमाज अपने वक्त पर और अपने हिसाब से अदा की गई। शहर में, मुल्क में शांति और सद्भाव के लिए दुआएं की गई और आज मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांध कर यहाँ पर विरोध जताया। वो विरोध इसलिए है, ये विरोध किसी धर्म, किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं और ना किसी से द्वेष, हिंसा और घृणा करता है मुस्लिम समाज। सिर्फ इतनी मांग थी कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे का और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश दिया कि यहाँ पर फिजिकल एक्सिबिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन आप मीडिया के ज़रिए, हमारे रिस्पोंडेंट नंबर 8 के ज़रिए और हमने खुद ने भी देखा कि यहाँ पर दक्षिणी साइड में फिजिकल एक्सिबिशन किया। आसपास जो मस्जिद है उसके आसपास की नींवों को 15-17 फीट खोद दिया गया, जिससे इमारत को भारी क्षति पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर हमने काली पट्टी बांधकर समाज के लोगों ने इसका विरोध जताया है और ये विरोध सिर्फ हमारा सांकेतिक विरोध है। हम ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम आई है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से सर्वे कार्य करे और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का साक्षर पालन करें। ठीक है, थैंक यू। हमने ज्ञापन राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन एक जिलाधीश महोदय को प्रस्तुत किया है, जिसमें ये मांग की गई है कि जो माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि यहाँ फिजिकल एक्सिबिशन ना हो, उसके कारण और अंदर फिजिकल एक्सिबिशन की उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की जा रही है, जिसके कारण हमने ये ज्ञापन प्रस्तुत किया है। हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन किया करवाया जाए, और जिलाधीश महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं हम पहले और अभी भी उनके नाम हमने ज्ञापन दिया है, उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन करवाया जाए। क्या कदम होगा अगला आपका? देखिए, आज हमने फिजिकल एक्सिबिशन का जो पालन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, हमने उसके विरोध में आज काली पट्टी बांधकर अपना मौन विरोध दर्ज करवाया है और हम निवेदन करते हैं एएसआई की टीम से कि जो फिजिकल एक्सिबिशन हो रहा है और जो मस्जिद का मूल स्वरूप चेंज किया जा रहा है, आप उसे तत्काल बंद करिए। और हम ये निवेदन करते हैं फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करिए। और हमने अभी मौन विरोध किया है और आगे भी हम आंदोलन करेंगे, अगर ये बंद नहीं हुआ, फिजिकल एक्सिबिशन बंद नहीं हुआ, तो आगे भी हमारा बड़ा आंदोलन होगा। जुल्फिकार पठान, सदर कमाल मोला मस्जिद, नमाज इंतजामिया कमेटी, धार। कमाल मोला धार में सर्वोच्च न्यायालय की जो आदेश की अवहेलना हो रही है, उस संबंध में ज्ञापन है। उपरोक्त अवलोकन खुले वर्ष पर जहाँ जमीनी दक्षिणी क्षेत्र में जहाँ पर उदय हुई है, जो फर्शों पर उदय हुई है, जो फिजिकल एक्सप्रेशन किया गया है, मूल स्वरूप चेंज किया गया मस्जिद का, उसी विषय में अभी ज्ञापन आ रहा है।